ये वीडियो मेरे पास रखता हूँ, पर मुझे नहीं लगता इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? अब शंपा को छोड़ दीजिए। अरे हाँ, अरे जाओ अमित, शंपा को बुला के लाओ। एक्सक्यूज मी, थोड़ा मूत कर आता हूँ। क्या सिर्फ तुम लोग ही नैरेटिव सजा सकते हो? शंपा कहाँ है? बुलाइए उसे, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। अरे आ रही है, आ रही है वो। इतनी जल्दी क्या है? नहीं, बिल्कुल बदतमीजी मत करना। बदतमीजी कहाँ? देखिए मैडम, प्रोफेशनल बातें तो हो गई हैं, पर मेरे मन में एक इच्छा है, बता दूं आपको। देखिए पहले दिन से ही ना आपको पर्सनली जानने की इच्छा थी। आप में ना एक बात है, एक आग है, बिल्कुल नशे जैसा आग है। उस आग को हैंडल करने का दम आपके पति में भी नहीं है। अमित जी, अरे अमित जी, अरे शंपा को बुलाने गया है वो। मैंने बताया रिसोर्ट एकदम खाली है। देखिए आपको जो चाहिए था वो तो आपको मिल गया, मेरा बयान। तो आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? इस आग के लिए? आग से खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है डार्लिंग। ये जो छूने से ही जलने का डर है, यही तो एडवेंचर है, नहीं तो जिंदगी का सारा करारापन खराब हो जाता है। ये सब सीख के रखिए मैडम, कब कहाँ जरूरत पड़े। पुलिस तो नहीं जान पाएगी, मैं तो नहीं बता रहा हूं, और ऊपर से मैडम जो कहानी पेश किया जाता है उसी को लोग मानते हैं, जैसे शंपा के केस में हुआ था। पर शंपा का झूठ भी तो पकड़ा गया था, उसे गलत सजाया गया था। आप जिस तरह की जिंदगी के साथ जुड़ गई हैं, आप में उतनी साहस और धीरज है ना इसके अंत देखने का? मेरा ड्राइवर बाप्पा, इन दोनों की शक्ल इतनी मिलती है मैंने कभी देखा भी नहीं था। बाप्पा, बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, ऐसे जाना ताकि चेहरा दिखाई न दे। ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो, जाओ। सर, हमारे आंखों के सामने सर के कमरे में घुसकर पिस्तौल दिखाकर सर को मारने की धमकी दी थी अनिश जी। एक और शब्द बोलेंगे तो गोलियों की बरसात कर दूंगा। मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूं। वो बेहद गुस्से में थे उस दिन, लग तो रहा था वहीं गोली मार देंगे। Awesome. परफेक्ट क्राइम। पर कावेरी, परफेक्ट कोई क्राइम होता नहीं है, वो एक वहम है। तुमने कुछ ना कुछ गलती तो की होगी, साबित कर दूंगा असली क्रिमिनल कौन है। तुमने तो एक बार साबित किया था मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं, किया था ना वो सब नकली कागजात बनाकर अपने हिसाब से, तो फिर
दिमागी हालात ठीक नहीं होने की वजह से जिसने अपनी नौकरी खो दी उसी ने इतना सब कुछ प्लान करके तुम्हें फ्रेम किया और फंसा दिया। ये दोनों चीजें क्या लीगली प्रूफ कर पाओगे? नहीं हो सकता। तुम्हें शायद नहीं पता मैंने ये नौकरी रिजाइन नहीं की क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान को सजा मिलना इससे भी ज्यादा जरूरी है। उसके सामने मेरी नौकरी खो देना बहुत छोटा सैक्रिफाइस है, बहुत। क्राइम तुमने भी किया है कावेरी, सजा तुम्हें भी होगी, समझ रहे हो? सजा मिलेगी। कावेरी, तुम भी पकड़ी जाओगी। कावेरी, क्राइम तुमने भी किया है, सजा तुम्हें भी होगी। अरे कैसे हैं? बस ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आपके साथ जो सब हुआ वो? बस ठीक हूँ। अगर मैं ना होता तो आप ठीक नहीं रहती। असल में आपसे मिला नहीं ना तो आपको बोल भी नहीं पाया। आपको और थोड़ा केयरफुल होना चाहिए था। लकीली पुलिस से पहले मेरी नजर इस पर गई, नहीं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती। चलता हूं। चलिए आगे। बीस रुपए क्यों? 60 रुपए होते हैं यहाँ तक। मेरे 40 रुपए बाकी थे, वो तो मैंने लिए ही नहीं। बाकी था? हाँ, याद नहीं। तो अब तो ठीक है।